नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदन वाजपेयी। आप देख रहे हैं टेक फॉर नेट। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, मैं उसी बारे में कुछ जानकारी लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। आज बात करते हैं ब्लैक डॉलर की, कि ये ब्लैक डॉलर जो होता है ये किस तरीके की चीज़ है, ये क्यों आती है हमारे पास, हमारे चैनल पर हमें क्यों दिखाई देती है। तो बहुत सी जानकारियाँ इस विषय में यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। ये मेरे अपने विचार हैं, मैं अपने तरीके से इसको जो है डिफाइन कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। देखिए दोस्तों, ब्लैक डॉलर तो जो है आपने देखा होगा कि दो तरीके के आते हैं आपके पास। या तो एक जो है साइन ब्लैक डॉलर का होता है, उसमें कोई भी लाइन नहीं होती है, और एक होता है जिस पर लाइन बनी होती है। तो ये दो तरीके के ब्लैक डॉलर होते हैं आपके पास। अभी बात करते हैं जिस पर लाइन नहीं होती है वो क्यों आता है हमारे पास। तो वो उस अवस्था में आता है, मान लीजिए आपने चैनल कोई नया अपना बना लिया है, ठीक है, बनाने के बाद उसको आपने जो है धीरे धीरे उस पर वीडियो वगैरह भी डाल दिए हैं। वीडियोस डालने के बाद आपने उसके जो है थोड़े बहुत वॉच टाइम भी गेन कर लिया है, या क्राइटेरिया उसका 1000 सब्सक्राइबर वगैरह का जो है वो भी गेन कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने मोनेटाइजेशन जो उसका रूल्स है, मतलब मोनेटाइजेशन जो फीचर्स है, इनकम करने के लिए जो जहाँ पर आप जाते हो उसको अभी आपने अप्लाई नहीं किया, मोनेटाइजेशन उसका जो है वो अप्लाई नहीं किया है। तो इस कंडीशन में भी जो है उस तरीके का जो है साइन देखने को मिल जाता है। अब इसमें दो चीज़ें और होती हैं कि मान लीजिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने अभी नया चैनल बनाया है, आपने मोनेटाइजेशन जो है अप्लाई नहीं किया और आपका क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, फिर भी आपने मोनेटाइजेशन नहीं ऑन किया है, तो उस अवस्था में भी आपके पास ये बिना कटा हुआ डॉलर जो है ये आपके सामने आता है, ठीक है। और उस अवस्था में भी आता है कि जब आपने जो है मोनेटाइजेशन जो है मतलब अप्लाई नहीं किया है, लेकिन आपका क्राइटेरिया तो पूरा हो चुका है और वीडियोज़ भी आपके जो है मोनेटाइजेशन आपने जो है अप्लाई नहीं किया है क्योंकि आपका जो है क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है, तो उस अवस्था में भी ये आता है। तो ये इससे कोई घबराने की बात नहीं होती है, ये आपको जो है खुद ही बता देता है। इस पर जब आप देखोगे जा करके तो ये खुद ही बताता है कि ये भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों मतलब ब्लैक डॉलर ये क्यों आया है। तो ये ब्लैक साइन का डॉलर जो है उसमें आप देखोगे उसमें साफ साफ लिखा होता है, उसकी वजह भी लिखी होती है कि अगर आपका चैनल, अगर आप मोनेटाइजेशन अप्लाई करोगे उसके बाद जब मोनेटाइजेशन आपका ऑन हो जाएगा, अगर आपके सारे वीडियोस जो है ओके हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उन वीडियो में, तो आपके जो है ये ब्लैक डॉलर का जो साइन वाला ये वो है साइन, ये हट जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा 20 से जो कटा हुआ ब्लैक डॉलर होता है वो क्यों हमारे पास आता है। तो देखिए ये आना तो उचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अपने कई मायने हो सकते हैं। कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि जैसे आपके वीडियोस में कुछ अनुपयुक्त चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो भी मतलब वहाँ पर आपको शो करेगा कि मतलब आप गूगल उसकी यूट्यूब की गाइडलाइन में जा कर के देख सकते हो, तो वो खुद ही आपको बताएगा कि जो यानी कि अनुपयुक्त चीज़ें होती हैं जो वो अगर आप अपने वीडियो में यूज़ कर रहे हो उस अवस्था में भी जो है ये कटा हुआ साइन वाला ब्लैक डॉलर आता है। कुछ ऐसा भी होता है कि ये उस अवस्था में भी आता है कि जब आपका आपने कोई ऐसा कंटेंट अपने वीडियोस में अपने चैनल पर यूज़ कर लिया है जिस कंटेंट को पूरे वर्ल्ड वाइड ब्लॉक किया जा चुका है, ठीक है, तब भी ये ब्लैक डॉलर आपको दिखाई देने को मिलता है आपके चैनल पर। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको जो है मतलब कुछ ऐसे मसले होते हैं कि आपका जो वो होता है वीडियोज़ जो होते हैं उनमें कुछ धमकी भरे हरेसमेंट टाइप की जो है चीज़ें होती हैं, वो अगर आपने इस तरीके की चीज़ें वीडियोस में यूज़ की हैं तब भी इस तरीके का जो है कटा हुआ साइन वाला ब्लैक डॉलर आता है। और उस अवस्था में भी आता है जब आप किसी ने आपको कंटेंट क्लेम भेजा है और उसको आपने उल्टा क्लेम कर दिया, यानी कि डिस्प्यूट आपने कर दिया उसके साथ में, तब भी ये ब्लैक डॉलर आपको दिखाई देता है। तो इसकी कई अपनी समस्याएँ हो सकती हैं। मैं जहाँ तक कि देख पा रहा हूँ अपने लैपटॉप में इस वक्त, तो इसमें जो कंडीशंस दिखी हुई हैं इसमें कॉपीराइट कंटेंट भी जो है मौजूद है, कहीं ना कहीं वो भी एक वजह है, और वीडियो की मैंने ब्लॉक होने के बारे में आपको बता ही दिया है, और तीसरी चीज़ मोनेटाइजेशन जो आपका है वो डिसेबल अगर है उसकी वजह से भी ये आता है, कॉपीराइट डिस्प्यूट आपने कर रखा है तो वो भी आता है। तो ये कुछ खास वजहें थी, इनकी वजह से ये ब्लैक डॉलर कटा हुआ आपके वीडियोस में शो करता है।
तो अगर आपको जो है इस ब्लैक डॉलर से, मतलब कटे हुए ब्लैक डॉलर से अगर आपको बचना है, तो जो है आपको कुछ बातों का याद यहाँ पर रखना होगा, बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाने होंगे अपने, और इन बातों का ख्याल रखना होगा। कुछ विशेष बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके चैनल पर कोई भी कंटेंट क्लेम नहीं होना चाहिए, आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, आपका चैनल पे कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पे अनुपयोग बातें इनअप्रोप्रिएट जो है मतलब कंटेंट नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। आपका चैनल जो है ऐसा कोई कंटेंट आपको यूज़ नहीं करना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक किया जा चुका हो, अभी आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन कोशिश करिए तो वीडियो आप बनाओगे तो किसी और की चीज़ आप यूज़ ही ना करिए तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। अपनी खुद की फेस कैम वाली चीज़ें बनाइए जो भी आप बना सकते हो, अपने निजी विचारों वाली चीज़ें बनाइए जो भी आप बना सकते हो, और आपका वीडियो जो है मतलब एक अवस्था वो भी होती है कि मैं मतलब आपको बता दिया हूँ, जो डिस्प्यूटेड मामला होता है तो आप कभी क्लेम उल्टा मत ठोकें, उल्टा अगर किसी को क्लेम कर रहे हैं तो उसकी वजह ठोस होनी चाहिए आपके पास, आपके पास प्रूवमेंट होने चाहिए सारे, तभी आपको जो है इस चीज़ से बचाव हो सकता है। और बस इतना ही सब कुछ है, तो मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ फिर अगले अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।